एमएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर है साइकोलॉजिकल पेपर है, पेपर सेकंड है ये। और इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स जो होता है पेपर, ये पूरा 80 नंबर का होता है। ये पूरा 80 नंबर का होता है। और इसमें क्या है कि दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और इनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 15 अंक का होता है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये 2022 का पेपर है, MJPRU यूनिवर्सिटी का, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद में अंतर बताइए, शिक्षा में इनके योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पता किया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के विषय में विस्तार से बताइए। तो ये जो है विस्तार से बताना है, ये जो है। तीसरा क्वेश्चन है, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का वर्णन करो और इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व का भी उल्लेख करो। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में इन्होंने पता किया है। चौथा क्वेश्चन है, गोलमैन का संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत क्या है और यह शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोगी है, यानी कि गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। और आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का अर्थ और प्रकार बताइए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है। तो इस तरह से ये आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे, और 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 3 करने थे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 अंक का है। तो इस तरह से ये जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है ये 45 अंक का हो जाता है। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं, खंड बी। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको जो है कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो आपका 7 मार्क्स का होता है। तो यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है। तो जो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ और क्षेत्र को प्रस्तुत कीजिए। इन्होंने यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता किया, उसका मीनिंग पता किया, स्कोप पता किया है। दूसरा क्वेश्चन है, टॉलमैन के अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। तो इन्होंने टॉलमैन के बारे में पता किया है। आगे है, शाब्दिक अशाब्दिक यानी कि वर्बल नॉन वर्बल बुद्धि के प्रत्यय को परिभाषित करो। और आपका चौथा क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के विषय में बताइए। तो इस तरह से उसके बाद देखिए आगे, यानी कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हो, क्रिएटिविटी का बारे में पता किया गया है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि वृद्धि और विकास में अंतर बताओ, यानी कि वृद्धि और विकास में अंतर की बात की है इन्होंने। और आगे जो क्वेश्चन है लास्ट, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत संक्षेप में लिखिए। तो ये आपका साइकोलॉजी का पेपर है, पेपर सेकंड, जो हमने अभी बात की, जो अभी MJPRU की 2022 की जो परीक्षा हुई है उसमें इस तरह का ही पेपर पता किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम प्रीवियस पेपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो पेपर लाभकारी सिद्ध होते हैं, एक आइडिया हो जाता है कि पेपर किस तरह का आता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।